मैं राजेंद्र प्रताप गुप्ता, फाउंडर हेल्थ पार्लियामेंट और इंटरनेशनल पेशेंट्स यूनियन। आज मैं आपसे स्वास्थ्य के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ये विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले भारत विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया। इसके अंतर्गत अगर आप आंकड़ों को देखें तो करीब 65% अपनी जनसंख्या 35 वर्ष की आयु के नीचे है। 44 करोड़ हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं। ऐसे समय हमें स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहना चाहिए। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखें तो वो हमारा भोजन हम कैसे खाते हैं, क्या चुनते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उनका रहता है। पैकेज फूड मटेरियल के बारे में मैं पहले बात करता हूँ। जब हम लोग बाहर स्ट्रीट फूड लेते हैं तो स्ट्रीट फूड को नॉर्मली लोग न्यूज़पेपर में रोल करके दे देते हैं। न्यूज़पेपर की इंक कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कि उसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। और ये जो पैकेज फूड हम स्ट्रीट फूड लेते हैं वो तेल में बनते हैं, तो ये इंक फैट सॉल्युबल है, तो ये एक बहुत बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। एक और आपके पास कार्सिनोजेनिक इंक है जो न्यूज़पेपर है, और दूसरी ओर आप फैट सॉल्युबल चीज ले रहे हैं, जैसे आपने समोसा लिया, वड़ा पाव लिया या फिर बर्गर लिया। तो ये जब आप एक चीज़ को पैक करते हैं न्यूज़पेपर में तो ये इंक इसमें डिजॉल्व हो जाती है और ये कैंसर कॉजिंग है। 2016 में जब मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का सलाहकार था, मैंने इस चीज़ को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उठाया था और उनका एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप जब आप स्ट्रीट फूड लेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, या तो आप बोलेंगे उस वेंडर से कि आप इसे बटर पेपर में रैप करें या फिर आप फूड ग्रेड प्लेट में मुझे दें। दूसरा विषय मैं जिस पर बात करना चाहता हूँ वो है टॉयज़ की। जितनी भी कंपनियाँ हैं वो ऐसी मार्केटिंग करती हैं जिससे कि बच्चों की साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी का वो इस्तेमाल करते हैं। एक खाने के पदार्थ के साथ आपको एक खिलौना देंगे, बच्चा खिलौने के लिए खाना खरीदेगा और माँ बाप फिर शायद जोर देंगे कि बच्चा खाने को भी ख़त्म करे। तो मेरा एक सुझाव है कि अगर बच्चा खरीदता भी है कुछ ऐसा खाने का सामान तो उसको जिद मत कीजिए कि वो खाना ख़त्म करे। और कंपनियों से भी मेरा निवेदन है कि वो इस पर विचार करें कि टॉय के माध्यम से चीज़ों को बेचना क्या उपयुक्त है। ये एक सोचने वाला विषय है। और दूसरी चीज़ है कि टिन कैंस होते हैं, जैसे ये टिन कैन है, इसे अगर मैं खोलता हूँ, ऐसा हो सकता है और पूरी संभावना भी होगी कि माइक्रो मेटल्स इस ड्रिंक में डिजॉल्व हो जाए और उसको हम अपने शरीर में ले रहे हैं, उससे शायद घातक बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसके ऊपर कोई अनुसंधान नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस विषय पे भी सरकार को भी संज्ञान में लेते हुए रिसर्च करानी चाहिए और कंपनियों को भी, क्योंकि जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है उसे हम लोग को उपयोग नहीं करना चाहिए। शायद कांच की बोतल अगर हम उपयोग करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और चीज़ पे मैं ध्यान देना चाहता हूँ जिसे हम हेल्दी ड्रिंक्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स के नाम से भी या हेल्थ ड्रिंक के नाम से भी कंपनियाँ मार्केट करती हैं। आप कुछ ऐसे ब्रांड्स देखेंगे जहाँ पे शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। WHO का रिकमेंडेशन है कि डेली एनर्जी इनटेक का आइडियली तो 5% शुगर से एडिड शुगर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। तो जब आप इन ड्रिंक्स को देखें या हेल्थ सप्लीमेंट्स को देखें तो सोचें कि ये ज़रूरी है कि लिया जाए। ये एक सुझाव है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। और एक और बात मैं रखना चाहता हूँ टूथपेस्ट के बारे में। ज़रूरी है कि जब सुबह उठते हैं तो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। जब मैं अमेरिका में था तो मैंने देखा कि वहाँ पे हर टूथपेस्ट के ऊपर लिखा होता है प्लीज़ यूज़ पी साइज टूथपेस्ट ओनली, इफ़ यू हैव यूज एक्सेसिव अमाउंट कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर। भारत में मैंने ऐसी कोई देखी नहीं वार्निंग। तो मेरा आप सबसे सुझाव है कि जब भी आप टूथपेस्ट यूज़ करें कम मात्रा में यूज़ करें, उसमें टूथब्रश को पूरा ना भर दें, वो स्वास्थ्य के लिए शायद लाभकारी ना हो। एज हेल्थ पार्लियामेंट और पब्लिक टास्क फोर्स फॉर अकाउंटेबल हेल्थ केयर, और अब हम लोग ने इंटरनेशनल पेशेंट्स यूनियन भी बनाया जिसके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए सही है वैसे निर्णय हम लें। तो जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट आजकल हम लोग देखते हैं, मुझे लगता है जैसे एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, हम लोग को हेल्थ केयर एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनानी चाहिए ताकि स्वास्थ्य के रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं उनके एडवर्टाइजमेंट्स को उसके अनुरूप होना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य को आगे बेहतर सुधार करे ना कि हानि पहुंचाए। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सुझावों पर विचार करेंगे और स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।